नमस्कार दोस्तों, आप सबको होली की शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे होली के त्यौहार को मनाने के पीछे विज्ञान के बारे में। होली कब और क्यों मनाते हैं, होली जलाने के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, धुलेटी या फागवा में रंगों का क्या महत्व है और इस परंपरा का पौराणिक विज्ञान क्या है। दोस्तों, भारत में होली का त्यौहार 2 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन में होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें विभिन्न लकड़ी और नारियल इत्यादि को साथ में रखकर जलाया जाता है। हिंदू संस्कृति में वर्ष की 12 पूर्णिमाओं को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दरअसल पूर्णिमा का खास प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्र का गुरुत्वाकर्षण से जुड़ जाता है, जिसके कारण समुद्र या नदी में ज्वार भाटा देखने को मिलता है। मनुष्य के शरीर का ज्यादातर भाग पानी का होने के कारण व्यक्ति के शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के कई समुद्री जीवों की पूर्णिमा के अनुसार गतिविधि पाई गई है। हिंदू संस्कृति में 6 ऋतुओं में से फाल्गुन महीने की पूर्णिमा वसंत ऋतु की शुरुआत में आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 प्रकार की प्रकृति कफ, पित्त और वात है, जिनका प्रकोप ऋतु के बदलाव के साथ कम ज्यादा होता है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकृति प्रभावी होती है, अर्थात किसी व्यक्ति में कफ प्रकृति प्रभावी होती है, किसी में पित्त और किसी में वात। वसंत ऋतु के बदलाव में ठंडी से गर्मी का बदलाव होता है, जिस दौरान शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है। होली का दहन और उसकी परिक्रमा करने से गर्मी की वजह से शरीर की अतिरिक्त कफ की मात्रा में कमी होती है। इसके साथ पूर्णिमा का उपवास रखने से शरीर के जल तत्व के वेग को संतुलित रखने में आसानी होती है और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। होली का दहन में नीम के पेड़ की लकड़ी और गोबर के उपले के धुएं से मच्छर इत्यादि जीव जंतुओं का उपद्रव काफी कम हो जाता है। आज भी कई गांवों में नीम के पत्तों का धुआं मच्छर के उपद्रव कम करने के लिए किया जाता है। होली के दूसरे दिन धुलेटी का दिन होता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को मिलकर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, जिसमें विभिन्न औषधि युक्त वनस्पति के फूल, पत्तों या फलों से बने रंग का उपयोग होता है। पुरातन काल में यह प्राकृतिक रंग व्यक्ति की चमड़ी के लिए तथा शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्व रखता था। चलिए जानते हैं इनमें किन चीजों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता था। केशु के फूल, जो पीले और भगवे रंग का होता है, उसे पानी में डालकर रंग बनाया जाता था। हल्दी, जो कि चमड़ी के लिए उपयोगी औषधि है, वह पीले रंग के रूप में उपयोग किया जाता था। नीम के पत्तों का या मेहंदी का रंग हरा रंग, बिल्वा और गेंदा फूल का रंग बीट का पर्पल रंग, चंदन वृक्ष का रंग नील का नीला रंग, इन सब वनस्पति का उपयोग रंग और गुलाल बनाने के लिए किया जाता था। यह रंग के जो औषधीय गुण होते हैं, उससे चर्म रोग या संक्रमण में लाभ होता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्व रखता है। दोस्तों, इस तरह होली के 2 दिनों का त्यौहार व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में विशेष रूप से महत्व रखता है। हमें होली ऑर्गेनिक रंगों से मनानी चाहिए, जिससे त्वचा और शरीर को फायदा हो। आज भारत में कई कंपनियों ने ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक रंगों को बनाया है, जिसे हम खरीद सकते हैं और होली मना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज और वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।